अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझते दिल्ली में एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शनिवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। बता दें कि यह दूसरी बार है जब दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दो सप्ताह से पूर्ण लॉकडाउन लागू है। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत समस्या है, अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी एक घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के, जो जो भी सुन रहा है ये और जिस जिस के हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन दीजिए। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। वहीं अस्पताल मरीजों का भार संभालने में असमर्थ हो गए हैं। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के चलते रोजाना सैकड़ों कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के पास फिलहाल लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। CM केजरीवाल ने कहा कि अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तो वह 9000 बेड 24 घंटे में तैयार कर देंगे। केवल ऑक्सीजन की वजह से आज आप हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। हमारे राधा स्वामी में हम लोगों ने 5000 बेड की तैयारी की हुई है, वहाँ केवल 150 बेड फंक्शनल है, ऑक्सीजन नहीं है। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिला के 1300 बेड की तैयारी की हुई है, ऑक्सीजन नहीं है। हमने बुराड़ी के अंदर 2500 बेड की तैयारी की हुई है। अगर आज हमें ऑक्सीजन मिल जाए तो 9000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स दिल्ली में 24 घंटे में तैयार हो जाएंगे, ऑक्सीजन ही नहीं है। अब दिल्ली अपनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, हम किसके पास जाएं, हम किससे ऑक्सीजन मांगें। गौरतलब है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से शनिवार को दिल्ली में 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, इसमें एक वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल थे। शनिवार सुबह बद्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मरीजों को डिस्चार्ज करना पड़ा, लेकिन गंभीर हालत में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल सका और 12 लोगों ने दम तोड़ दिया। दोपहर तक एक डॉक्टर समेत 8 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन शाम तक 4 मरीजों की और मौत हो गई, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया।